गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 5:30 बजे से। तो फ्रेंड्स, मेरी शाम की चाय भी हो गई है, कप यहीं रखा हुआ है तो इसको किचन में रख देती हूँ। और इस टाइम मेरी चाय का टाइम होता है फ्रेंड्स, तो मैं चाय बना के पी ली हूँ। और इधर में दूध भी गर्म कर लिया है मैंने, ये देखिए दूध भी गर्म हो गया, गैस बंद कर दिया है मैंने। और आज है फ्रेंड्स बृहस्पतिवार, तो ये मेरा बृहस्पतिवार का व्लॉग है। सुबह से मैंने कोई रूटीन शेयर नहीं किया है, तो मैंने चलो थोड़ा सा इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ फ्रेंड्स के साथ में। घर का न सही, आज थोड़ा सा बाहर का दिखाती हूँ, क्योंकि आज है ना बृहस्पतिवार को यहाँ साप्ताहिक बाजार लगता है, आप सबको तो पता ही है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा साप्ताहिक बाजार घूमने चलते हैं, और थोड़ा सा मैं घर का राशन भी लेके आऊंगी। तो मैंने चलो बाहर घुमाते हैं आज फ्रेंड्स को, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स एंड तक। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी मुझे सब्जी बनानी है बाकी, तो सब्जी कुछ समझ नहीं आ रही है तो मैं बनाऊंगी न्यूट्रेला की, क्योंकि फ्रेंड्स पिछले थर्सडे को शादी थी भतीजे की, तो हम बाजार से सब्जियां नहीं लेके आए थे, तो न्यूट्रेला ही बनाऊंगी। और अभी बच्चे सोए हुए हैं, आयुष इधर सोया हुआ है, अनुषा दूसरे रूम में पढ़ाई करते करते ही सो गई है फ्रेंड्स। अभी जगाऊंगी बच्चों को भी, क्योंकि फ्रेंड्स सुबह जल्दी सो उठ जाते हैं 6 बजे, तो नींद आने ही लगती है। और ये देखें किताबें फैला रखी है और सो गई है अनुषा पढ़ते पढ़ते। तो चले मैं अपना काम निपटा लेती हूँ और फिर चलेंगे बाजार, तो मैं सब्जी बना लूँ। फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, और शाम का मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को। और हमारे यहाँ शाम का मौसम कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स, हल्की हल्की धूप है अभी, तो देखिए 5:30 बज गए हैं पर धूप अभी तक है। और ये देखिए इसमें फूल खिल गया है, इसका नाम क्या है, नाम भूल गई हूँ, डलिया, डलिया का है। तो देखिए इसमें फूल खिल गया है, पूरी तरह से नहीं खिला है अभी तक, खिल जाएगा। और अभी कपड़े भी उतारने बाकी है, तो चले फ्रेंड्स कर लेती हूँ मैं अपना काम। सब्जी बनके तैयार हो गई है, और अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला, तो थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। और डालूंगी इसमें हरे धनिया की पत्ती, इससे सब्जी में काफी अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। तो हमारी सब्जी भी बनके तैयार हो गई है, तो फ्रेंड्स सब्जी बन गई है। और इधर में आटा भी गूंद लिया है मैंने, और बर्तन थे बर्तन भी साफ हो गए हैं, सारा काम मेरा फिनिश हो गया है। रोटी में आकर बनाऊंगी, अब सब्जी को ढक देती हूँ और गैस बंद कर देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी सोया बड़ी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। और आयुष कर रहा है संध्या पूजा, हम पे थोड़ा सा काम में बिजी थी ना, तो आयुष कर रहा है इधर में संध्या पूजा। ये देखिए फ्रेंड्स संध्या पूजा कर रहा है, आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए, आरती ले लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ बाजार के लिए रेडी, और किचन का काम भी मेरा हो गया है, अब बाजार चलते हैं फ्रेंड्स। और आज मुझे राशन भी लेना है, और मुझे आज बाजार से करवानी है अपनी नाइटी चेंज, क्योंकि फ्रेंड्स मैं पिछले हफ्ते लाई थी नाइटी, तो उसका थोड़ा सा गला है ना डीप है फ्रेंड्स, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा। तो ये देखिए मैंने दिखाया भी था वीडियो में कि मैं अपने लिए नाइटी लेके आई थी, तो दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये वाली मैं नाइटी लेके आई थी, तो इसका गला मुझे काफ़ी डीप लगा, तो मैं इसको चेंज करवा के आऊँगी। चले फ्रेंड्स यही चेंज करवाना है और बाकी कुछ लेना नहीं है, और घर का राशन भी लेना है। टाइम हो गया फ्रेंड्स 7:30 बज गए हैं, काफ़ी अंधेरा भी हो गया, तो चले निकलते हैं, मैं और अनुषा जा रहे हैं। तो चले फ्रेंड्स अनुषा भी रेडी हो गई है और निकलते हैं, और इसने बाहर की लाइट जला दी है क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया है ना।
तो फ्रेंड्स आ गए हम लोग नीचे और देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आज आपको नाइट में घुमाते हैं। और हम दोनों माँ बेटी निकल चुके हैं नाइट में घूमने के लिए, और आज पूरा मार्केट दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, तो चलिए चलते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स कैंपस से बाहर आ गए हैं और यहाँ का नाइट व्यू देखिए, और थर्सडे के दिन यहाँ पे काफ़ी जाम होता है। फ्रेंड्स देखिए आगे जाम लगा हुआ है क्योंकि बाज़ार की वजह से जाम लग जाता है, और अभी जाम लगा हुआ, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है बाज़ार, यानी कि 10 मिनट का रास्ता है, और अभी चलते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स हमने रोड क्रॉस कर लिया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबा जाम लग चुका है देखिए, तो हमने रोड क्रॉस कर लिया है और चलते हैं इस साइड से। ये देख सकते हैं कितना लंबा जाम लगा हुआ है। इधर रास्ते में पड़ता है फ्रेंड्स हनुमान जी का मंदिर, और ढोक लगा लिया, चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं से हमारा सब्जी मार्केट शुरू हो जाता है, फ्रूट सब्जी, और जाम देखिए यहाँ, ये देखिए ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, और देखिए मटके, देखिए मटके, गर्मियों के लिए मटके ले लीजिए यहाँ से, है ना। और आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा भीड़ है, और आज आपको पूरा मार्केट दिखाती हूँ कि आज के दिन कितनी भीड़ होती है। और यहाँ पर एक अच्छी बात है फ्रेंड्स, मुझे सब्जियाँ नहीं खरीदनी है क्योंकि सब्जी ले जाने की जिम्मेदारी अनुषा के पापा की है, तो वही लेके जाएंगे, और यहाँ पे काफ़ी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स लाइट लगा रखी है ना, लाइट से ग्रीन ग्रीन दिख रहा है सब कुछ। और यहीं से हमारा सब्जी मार्केट ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स, और आगे हो जाता है कपड़ा मार्केट शुरू, तो कपड़ा मार्केट दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा भीड़ है कपड़ा मार्केट में, यहाँ पे है छोले भटूरे, खा लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए छोले भटूरे भी हैं यहाँ पे मार्केट में। मार्केट होके भी आ गए हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी आप लोगों ने देखा है फ्रेंड्स, और अब चलते हैं घर पे, घर पे नहीं सॉरी, अभी घर का राशन भी लेना है, तो चलिए ले लेते हैं। और अभी भी भीड़, काफ़ी भीड़ है फ्रेंड्स, भीड़ अभी तक कम नहीं हुई है मार्केट में। और हमने लिया है कुछ फ्रूट्स वगैरह, और ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया है हमने क्योंकि मुझे नाइटी चेंज करवानी थी, वो मैंने चेंज करवा ली है, और अभी घर का राशन ले कर चलते हैं घर पर। अनुषा को देखो पीछे पीछे आ रही है क्योंकि इसके हाथ में दे दिया मैंने तरबूज, दिखा अनुषा ये देखो इतना भारी तरबूज लेके चल रही है अनुषा। तो फ्रेंड्स आ गए हैं ग्रोसरीज की दुकान पे, तो चलते हैं ले लेते हैं सामान। फ्रेंड्स आ गए हैं और यहाँ से ले लेते हैं घर का राशन, अनुषा को आते ही बस खुद के खाने का सामान देखती है कि ये चाहिए वो चाहिए, तो चले फ्रेंड्स ले लेते हैं पहले, फिर अनुषा को भी दिलाएंगे। तो फ्रेंड देखिए मेरे फेवरेट बिस्किट मिल गए आज मुझे, पतंजलि, हर बार आती थी ना नहीं मिलते थे, मुझे आज मिल गए, आज मेरा दिन अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स ले लिया है सारा सामान। तो फिर देखिए हमें चाय पत्ती के पैकेट के साथ में मिली है बोतल अच्छी है इसके बदले मैंने 3 पैकेट ले लिए चाय के बोतल का लालच आ गया भैया अभी हंस रहे हैं तो चलिए फ्रेंड्स बिल पे करते हैं।
तो फ्रेंड्स ले लिया है, सामान भी पैक करवा दिया है और अब चलते हैं। और इतना सारा सामान भी हो गया है मेरे पास में। और बाज़ार में फ्रेंड्स अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अभी लूँगी यहाँ से मैं रिक्शा, क्योंकि टाइम हो गया है 9:20 हो गए, काफ़ी लेट भी हो गया है फ्रेंड्स, खाना भी बनाना है। चलते हैं फटाफट से, तो रिक्शा भी मिल गया है मुझे, ले लेती हूँ। ये लो जी रिक्शा भी मिल गया है, और अब घर जाके मिलते हैं आप लोगों से। अनुषा भी बैठ गई है इधर में। तो फ्रेंड्स पहुंच गए हम लोग घर पे, अनुषा ने बैल बजा दी है और अभी आयुष दरवाज़ा खोलने वाला है। तो फ्रेंड्स आ गए हम लोग, और आयुष देखिए तारक मेहता चला रखा है। हमारे जाने के बाद बस टीवी में ही लगा है, तो मैं हैंड वॉश करके आती हूँ और फिर बनाते हैं फ्रेंड्स रोटी। और इधर में देखा आयुष है ना, सब्जी को वापस गर्म कर रहा है ना। तो खाना बना लेते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आप लोगों से और फिर दिखाएंगे आप लोगों को क्या सामान ले। वैसे तो कुछ भी नहीं लेके आए, मैं अपनी नाइटी चेंज करवाई हूँ और घर का राशन हमने पैक करवा दिया है। अभी थोड़ी देर बाद में डिलीवरी हो जाएगा सारा सामान भी। तो चले फ्रेंड्स खाना बना लेते हैं। मेरा सारा खाना बन गया है, और इधर में मैंने मेरे लिए और अनुषा के लिए प्लेट लगा ली है फ्रेंड्स, हम दोनों एक ही प्लेट में खाएंगे। तो इधर में है भिंडी की सब्जी है, और इसमें है न्यूट्रेला सोया बड़ी। तो भिंडी की सब्जी मैंने सुबह बनाई थी फ्रेंड्स, तो खा लेते हैं खाना। टाइम हो गया है फ्रेंड्स 10 बज गए हैं, और इधर में आयुष खा चुका है खाना, तो देखिए नीचे लेटा हुआ है और टीवी देख रहा है फ्रेंड्स। और जब से टीवी ठीक हुआ है ना फ्रेंड्स, इनका टीवी बंद ही नहीं होता है, सारा दिन चलता रहता है। तो चलिए खा लेते हैं फटाफट से, आप सब भी आ जाइए फ्रेंड्स, खाना खा लीजिए, उसके बाद में दिखाएंगे कि हम क्या क्या सामान खरीद के लाए हैं। तो खाना खा लेते पहले, आ जाए अनुषा। आ गई है फ्रेंड्स अनुषा भी खाना खाने के लिए। ये भी मेरे साथ साथ है ना, मार्केट में घूमती रहती। आज कुछ भी नहीं खरीदा इसके लिए, और कुछ भी नहीं लिया है मैंने भी, मेरी नाइटी चेंज करवाई थी, ज़्यादा कुछ लिया नहीं हमने। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप सभी खा लीजिए मेरी यूट्यूब फैमिली, और हम भी खाना खा के फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स खाना पीना हो गया है, और अब किचन को क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन साफ कर लेती हूँ, फिर सामान दिखाती हूँ आप लोगों को। और पहले तो सबसे पहले ये बर्तन के रैक में लगा देती हूँ, क्योंकि फुल टोकरी भरी हुई है फ्रेंड्स, ये शाम के बर्तन हैं, इनको मैं रैक में लगा देती हूँ पहले तो, क्योंकि सारा दिन फ्रेंड्स बर्तनों का इतना सारा काम होता है ना, तो ये खाली करूंगी तभी जाके बर्तन साफ करके इसमें रखूंगी। तो फ्रेंड्स सारे बर्तन मैंने रैक में लगा दिए हैं, और अब बर्तन साफ कर लेते हैं। और ये देखिए बर्तन भी काफी सारे हो गए हैं, फटाफट से साफ कर लेते हैं इनको। मेरा किचन का काम भी हो गया है, तो चलिए अब आप लोगों को दिखा देती हूँ जो भी हम सामान लेकर आए हैं बाजार से। और इधर में हमारा घर का सामान भी डिलीवर हो गया है, और जब मैं रोटी बना रही थी तभी सारा सामान आ गया था, और ये हमारे पूरे महीने भर का सामान आ चुका है फ्रेंड्स। और हमें बीच बीच में भागना नहीं पड़ता है, पूरे महीने भर का एक बार ही लाते हैं। और सामान हम कल खोलेंगे, मैंने निकाली है बस सामान में से पानी की बोतल जो हमें मिली है, मिली चाय के साथ में। पहले कंटेनर मिलता था, अब की बारी काम की चीज़ मिली है फ्रेंड्स, पानी की बोतल। तो बस मैंने यही निकाली है, और अब इनको कल भरूंगी मैं। और मुझे लेनी भी थी फ्रेंड्स पानी की बोतल, तो मिल गई है चाय पत्ती के साथ में फ्री। तो ये देखिए बोतल कैसी लगी है फ्रेंड्स, बताइएगा कमेंट में। तो आप लोग भी मिली चाय खरीदिए जल्दी से, और पानी की बोतल पाइए मुफ्त, है ना। तो मैंने 3 पैकेट ले लिए थे चाय पत्ती के, तो मुझे 3 बोतल मिली है फ्रेंड्स, और ये है मिली चाय। मैं मिली चाय लाती हूँ हमेशा। अभी सामान कल खोलेंगे हम, और चलिए दिखाते हैं बाजार से जो भी लेके आए हैं। इधर में फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को पहले फ्रिज में रख देती हूँ। अनुषा को यही दे रखा था फ्रेंड्स, कितना हैवी है, 2.5 किलो का तरबूज है, इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। और ये बच्चों के उसमें फ्रूट में काम आता है फ्रेंड्स, टिफिन में इनको रोज फ्रूट चाहिए होता है। और क्या लेके आई हूँ मैं, और लाई हूँ मैंगो, ये भी फ्रिज में रख देते। और लेके आई हूँ फ्रेंड्स मैं खीरा सलाद के लिए। और इस थैले में है फ्रेंड्स सब्जियाँ,
वो भी सब्जियां भी रखी हुई है, इनको भी नहीं खोला है मैंने। और जो ये सामान लेके आई हूँ, जो मेरी नाइटी चेंज करवाई है, चलिए वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स रख दिए फ्रूट्स भी मैंने, और ये देखें मैंगो, मैंगो शेक वाले आम। तो कल बनाएंगे मैंगो शेक, क्योंकि अब आ गए हैं मैंगो शेक वाले आम। गर्मी आ गई है फ्रेंड्स, तो जूस वगैरह बनाएंगे। और मैंने रख दिए हैं सारे फ्रिज में, बंद कर देती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरे कान्हा जी की ड्रेस। तो देखिए मेरे कान्हा जी की दो दो ड्रेस ली है मैंने, कलर बताइएगा कैसा लग रहा है। एक ये है गोल्डन कलर है, और एक पिंक कलर की ड्रेस है, बहुत ही प्यारी ड्रेस लगी थी। ये शाइनिंग वाला कपड़ा है ये, तो मैंने दो ड्रेस ली है अपने कान्हा जी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स कान्हा जी की ड्रेस हो गई है, और इधर में लिया है आयुष के लिए कैपरी गर्मियों के लिए। ये देखिए निक्कर लिए मैंने आयुष के लिए, तो गर्मियों के लिए सही है ये। तो निक्कर आयुष की पुरानी हो गई थी, तो मैंने नया ले दिया इसके लिए निक्कर। और अब चलिए लास्ट दिखाती हूँ मेरी नाइटी जो मैंने चेंज करवाई है। और ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, बस यही लिया है मैंने कान्हा जी की ड्रेस और आयुष की निक्कर लेके आई हूँ। और ये मेरी नाइटी है जो मैंने चेंज करवाई है फ्रेंड्स, तो इसको खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए फ्रेंड्स प्रिंटेड नाइटी है, पिछली बार लाई थी मैं प्लेन ही थी वो, तो उसका क्या है ना गला थोड़ा डीप था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने चेंज करवा दी है। और ये देखिए फ्रेंड्स येल्लो कलर की है ये नाइटी, और इस पर कलर कैसा दिख रहा है कैमरे में। तो फाइनली ये भी चेंज करवा ली है मैंने, बस यही सामान हमने लिया है, बाकी कुछ भी नहीं लिया है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स सारा सामान आप लोगों को दिखा दिया है, और कैसा लगा है बताइएगा कमेंट करके। मेरे कान्हा जी की ड्रेस कैसी लगी है, मेरी नाइटी कैसी लगी है बताइएगा। और इधर में अनुषा मार रही है मच्छर, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर है फ्रेंड्स, तो चलिए मच्छर मारते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए रैकेट ले लिया है, हथियार मच्छरों का हथियार है ये, तो बहुत ज़्यादा मच्छर है फ्रेंड्स, यहाँ हॉल में बैठने ही नहीं देते हैं मच्छर। ये देखिए फ्रेंड्स मच्छर पट 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 पट, सारे मच्छर भुन जाते हैं इससे। ये देखिए फ्रेंड्स मच्छर मार लेते हैं। और टाइम हो गया है फ्रेंड्स 11:30 बज गए हैं, तो अब कर देते हैं ब्लॉग का एंड मच्छर मार के। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का इवनिंग रूटीन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्रश डे बाजार घूमकर अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मच्छर मार के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड नाइट। ध्यान रखिएगा सभी फ्रेंड्स अपना मच्छर मार के।